हाय फ्रेंड्स, पीके स्टूडियो कोटा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है पैनासोनिक का एजी यूएक्स 90 कैमरा। फ्रेंड्स, आज मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि जो इस कैमरे में बटन आते हैं वह किस किस काम आते हैं, और इसमें मैं आपको बता दूँ हर एक बटन काम का है, तो और देखते हैं कि कौन सा बटन किस काम में आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास पैनासोनिक का एजी यूएक्स 90 कैमरा है। यहाँ पर अपन आ जाते हैं नीचे आपको यहाँ पर गेन का ऑप्शन मिलता है। जो लोग कंटिन्यू कैमरा चलाते हैं कि गेन का जो ऑप्शन होता है वह किस काम में आता है बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइट बैलेंस का जो बटन होता है वह किस काम आता है, ये सब भी आप लोगों को पता है कि वाइट बैलेंस कैसे सेट करते हैं और इन बटनों का कैसे उपयोग करते हैं। ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर देख सकते हैं। गेन का भी उसमें उपयोग बताया है, वाइट बैलेंस का भी उपयोग बताया है। यहाँ पर ये जो तीसरा बटन आता है ये है जोग डायल। इसको इस तरह से घुमा सकते हैं, इसको रिंग बोलते हैं। जब हम केल्विन को घटाते हैं या बढ़ाते हैं उस वक्त इस बटन को काम में लिया जाता है, और इसको ऊपर नीचे घुमाने के साथ साथ ऐसे बीच में भी प्रेस कर देते हैं। ये बीच में जैसे ही प्रेस होता है तो ये ओके का भी काम करता है। तो यहाँ पर आप मेन्यू प्रेस करेंगे तो आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप कैमरे को अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला बटन आता है अपना शटर का। शटर स्पीड जो होती है कैमकॉर्डर में वह होती है 1/50। 1/50 के बाद इस UX90 कैमरे में आप 8000 तक जा सकते हैं। 8000 के और 50 के बीच आप कोई भी शटर स्पीड रख सकते हैं, वह आपके अकॉर्डिंग जैसे आप सेट करना चाहो वैसे रख सकते हैं। अगर आप 50 से कम रखते हैं तो आपकी पिक्चर जर्क करती है। तो शटर का जो बटन है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये वर्क करता है। इसके बाद अगला जो बटन आता है यहाँ पर मैनुअल और ऑटो का आता है। आप अपने कैमरे को मैनुअल में चलाना चाहते हैं या ऑटो में चलाना चाहते हैं उसके लिए ये बटन आता है। इसको अगर आप आगे करेंगे तो ऑटो हो जाएगा, पीछे करेंगे तो मैनुअल हो जाएगा। इसके बाद अपन यहाँ पर चलते हैं एनडी फिल्टर, लिखा हुआ है एनडी फिल्टर। इसमें आता है 1/64, 1/16, 1/4 और ऑफ। यहाँ पर ये किस काम में आता है, ये जब भी आपकी पिक्चर ज़्यादा लाइट हो तो अगर आप बाहर से ही एक साथ लाइट कम करना चाहते हैं तो एनडी फिल्टर को जैसे आप 1/4 कर सकते हैं, 1/16 कर सकते हैं, 1/64 कर सकते हैं, तो आपकी जो पिक्चर है वह लाइट से डार्क हो जाएगी। तो एनडी फिल्टर इसके काम में आता है। इसके बाद अगला ऑप्शंस आता है आयरिस का, जो आपको पता है आयरिस की ये रिंग है, ये रिंग और ये आयरिस इससे लॉक हो जाता है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आयरिस लॉक हो जाएगा, और आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे देखेंगे तो STD लिखा हुआ आ जाएगा। जब STD लिखा हुआ आ जाएगा तो आपकी ये रिंग, फोकस रिंग सब काम करना बंद कर देगी। इसके बाद इसी आयरिस को अपन वापस दबाएंगे तो STD हट जाएगा और आपका रिंग काम करना शुरू हो जाएगा। तो आयरिस का काम ये है। इसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पर फोकस असिस्टेंट। जैसे आप इसको फोकस करेंगे तो आपकी जो डिस्प्ले साइज है उसके बीच में फोकस पॉइंट जो होता है उसका अलग से ही पॉइंट ये दिखा देता है, असिस्टेंट दिखा देता है कि इसके बीच में ये कैमरा फोकस ले रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फोकस ऑटो और मैनुअल। तो यहाँ पर जैसे आप इसको ऊपर करते हैं इस वाले बटन को तो आपका जो फोकस है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, और जैसे आप इसको बीच में करते हैं तो आपका फोकस मैनुअल हो जाता है। जब भी आप मैनुअल फोकस में कैमरा चलाएं तो उसके लिए भी नीचे एक बटन दिया गया है। जैसे अगर आपने ऑटो में कर दिया तो ऑटो में ऑटोमेटिक फोकस ले लेगा, और जैसे आप मैनुअल में करेंगे तो मैनुअल में फोकस लेने के लिए जैसे आपने मैनुअल ले लिया और आपने एक जगह ऐसे फोकस सेट करके और देख रहे हैं कि फोकस नहीं हो रहा है तो आपको ये नीचे वाला फुस ऑटो ये वाला बटन है ये आपको फ्रेश करना पड़ेगा। जैसे आप इसको फ्रेश करेंगे आपका फोकस मैनुअल ले लेगा। तो ये बटन मैंने आपको बता दिए और ये बटन मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर इसके बाद मैं आपको बता दूँ यूज़र 1, 2, 3, ये
बटन इस कैमरे में जो आते हैं ये कंपनी की जो प्राथमिक सेटिंग आती है उसके अनुसार सेट होके आते हैं। चाहे तो इसकी सेटिंग में अपन चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर इन तीन बटन्स के ऊपर। आप इसमें चाहे तो अभी जो है इसमें तीन नंबर का जो, इसे मैं बटन दबाता हूँ यहाँ पर स्लॉट चेंज हो जाते हैं, एक नंबर का दबाता हूँ कुछ और होता है, दो नंबर का दबाता हूँ कुछ और होता है, तो इनको आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन से बटन पे अपने को कौन सा ऑप्शन रखना पड़ता है। इसको आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन से बटन पर आप अपना कौन सा ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो आपको उसमें मेन्यू में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे बाहर से यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री पे जो सेट करेंगे बाहर से दबाते ही वो आ जाएंगे। इसके बाद आता है डिस्प्ले मोड चेक। जैसे आप इसको दबाएंगे, इसको दबाने के बाद आपका जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाता है, जिसमें जैसे डिस्प्ले पे जैसे कोई भी डिटेल आती है कि अपना केल्विन कितना चल रहा है, कौन सा कार्ड लगा हुआ है, कितना टाइमिंग है, डिस्प्ले पूरी वाइट रहेगी, उस पर कुछ भी आपको डिटेल दिखाई नहीं देगी। जैसे आप वापस इसको करेंगे तो आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी कि आप गेन पे शूट कर रहे हैं, केल्विन पे शूट कर रहे हैं, मतलब मैं आपको साइड में फ़ोटो दिखा दूंगा कि जैसे आप इसको प्रेस करते हैं कंप्लीट इस तरह की डिस्प्ले आएगी, और वापस करते हैं तो इस तरह की डिस्प्ले आएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हैं दो स्लॉट दिए गए हैं, स्लॉट नंबर वन, स्लॉट नंबर टू। इसमें आप देख सकते हैं ये आपको कार्ड लगाने के लिए दिया गया है। इसके बाद अपन यहाँ पर इसको ओपन करते हैं तो ये दिया गया है ऑडियो कंट्रोल पैनल। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। वहाँ पर इनके ऊपर कंट्रोल के ऊपर कंप्लीट वीडियो है कि आपको ये मैनुअल ऑटो कैसे चलाना है और केबल से कब शूट करके किस तरह से इन बटनों का यूज करना है। तो ये आप नहीं छेड़े तो ज़्यादा अच्छा है, सबको ऊपर करके रखें और इनको ऐसे करके रखें। तो और इनके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो चैनल पर है। इसके बाद आता है OIS। OIS का मतलब है अगर आपका हाथ जर्क करता है, हिलता है, तो आप इस कैमरे को OIS अगर आपका ऑफ हो रहा है तो OIS को आप ऑन करके चलाएं। अगर आप ऑन करके चलाएंगे तो आपकी पिक्चर जो है आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, OIS ऑफ, OIS ऑन, दोनों पिक्चरों में आप देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप OIS ऑफ करके नहीं बल्कि OIS ऑन करके हमेशा कैमरा ऑपरेट करें, ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट बटन LCD EVF। इसका मतलब है अगर जैसे आप वीडियो शूट कर रहे हैं और आपको व्यूफाइंडर में देखना है तो आप इसको जैसे आप प्रेस करेंगे, प्रेस करते हैं आपकी जो LCD है वो बंद हो जाएगी और आप यहाँ पर ये व्यूफाइंडर देख रहे हैं। इस व्यूफाइंडर में जैसे आप इस तरह से देखेंगे तो आपको आपकी पिक्चर इसमें कंप्लीट दिखाई देगी, और अगर आपको कंप्लीट दिखाई नहीं दे रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक नीचे बटन दिया गया है, इसको आप प्रॉपर यहाँ पर बीच में सेट कर लें कि आपका जो व्यूफाइंडर है इसका वो किस जगह पर क्लियर इमेज शो कर रहा है, तो आप इसको सेट करके और उसको देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर कितनी क्लियर आ रही है। वापस आपको डिस्प्ले में देखना है तो वापस आपको यही बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट डिटेल इस पैनल की हो गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन और दिया गया है, ऑटो वाइट बैलेंस। यहाँ पर ऑटो वाइट बैलेंस का कंप्लीट बटन दिया गया है। जब भी आपको वाइट बैलेंस सेट करना है ACH BCH पे, तो आप ACH या BCH पे लेके इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपका ऑटो वाइट बैलेंस सेट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी आप बैटरी निकालें तो यहाँ पर एक बटन दिया गया है पुश। जैसे आप इसको दबाएंगे, दबाने के बाद और इस तरह से बैटरी निकालते हैं, ये इसका बैटरी लॉक का बटन दिया गया है। बैटरी लॉक का बटन के बाद इधर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट 2 दिया गया है और यहाँ पर ऑडियो इनपुट 1 दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा ऑन और ऑफ का बटन दिया गया है। इसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं,
यहाँ पर ये जूम इन का है, ये जूम आउट का है, ये प्लस और माइनस जो इसमें दिया गया है जूम इन और जूम आउट का है। जैसे ही आप जूम इन और जूम आउट करेंगे तो ये बटन आपको प्रेस करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर REC चेक यहाँ पर ये किस काम में आता है, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उस क्लिप को आप रिटर्न देखना चाहते हैं दोबारा, तो यहाँ पर जैसे आप पुश करेंगे वह रिकॉर्डिंग आपकी चालू हो जाएगी, फिर वापस पुश करेंगे तो आपका कैमरा रिकॉर्डिंग मोड में वापस आ जाएगा। यहाँ पर यह पुश का बटन दिया गया है, जैसे मैं इसको दबाता हूँ, दबा के इसको मैं यूँ घुमाऊँगा तो ये हुड यहाँ पर खुल जाता है। तो ये हुड लॉक का बटन है और हुड लॉक में ही मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर दूसरा ओपन और क्लोज, जो हुड का ये शटर है ये क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए ये काम में लिया जाता है, ये काम में लिया जाता। तो इसको मैं फिलहाल वापस लगा देता हूँ। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं थंब नेल काउंटर रीसेट और ब्रश। यहाँ पर थंब नेल जब आपकी जो क्लिपें रिकॉर्डिंग हो के कार्ड में सेव हो चुकी है इसको दबाएंगे तो आपका कार्ड ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप सारी जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है वो उसको देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी क्लिपें रिकॉर्ड की है। इसके बाद यहाँ पर काउंटर है ये और रीसेट, ये दोनों बटन एक ही वर्क करते हैं। जब आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पर टाइम कोड ऑन हो जाता है। बहुत सी बार क्या होता है बॉसों के टाइम कोड नहीं चलता है कि अपन जैसे क्लिप शूट कर रहे हैं तो वो क्लिप कितने सेकंड चल रही है और कितना टाइम हो चुका है। तो जैसे आप इसको दबाएंगे तो आपका टाइम कोड ऑन हो जाएगा और वापस करेंगे तो आपका टाइम कोड फुस हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, तो डिस्प्ले पे आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सी क्लिप कितने सेकंड चल के बंद हो रही है और कितना टाइम अपन इसमें रिकॉर्ड कर चुके हैं। और उसको अगर अपन रीसेट करना चाहते हैं और जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको आप रीसेट कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको आपको ऑफ करना पड़ेगा, फिर इसको आपको रीसेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका काउंटर टाइम कोड है वो रीसेट हो जाएगा। बाद आता है ब्रश। ब्रश जो बटन आता है तो आपने बहुत सी बार मूवियों में देखा होगा, या मैं आपको साइड पे दिखा देता हूँ, ये इस तरह का बना हुआ था। ये क्या काम आता है, ये बहुत सी बार इस काम आता है, जैसे ही हम कहीं पर भी वेडिंग शूट कर रहे हैं और अचानक अपने पास कोई दूसरा प्रोग्राम आ जाता है, या एक ही जगह अपन दो वेडिंग शूट कर रहे हैं, कभी इसकी करनी है कभी इसकी करनी है, तो बीच में अपन ये ब्रश वाला ऑप्शन डाल सकते हैं। इससे जब भी हम कार्ड कॉपी करेंगे तो अपने को ये अंदाज़ा रहेगा कि कहाँ से कौन सा कार्ड कॉपी करना है और कहाँ से किस पार्टी की हमें क्लिपें कॉपी करनी है, तो दोनों अलग अलग क्लिपें करने के काम में ये आता है। तो और इसके बाद आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं वही TW का बटन दिया गया है, इससे भी जूम इन जूम आउट होता है और यहाँ से भी रिकॉर्डिंग पुश और प्ले होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।